नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज फरवरी माह के टॉप करंट अफेयर्स को देखेंगे। जीके जीएस के अलावा किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान एवं निर्णायक भूमिका होती है। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। फर्स्ट, बैंकर मैगजीन द्वारा किस भारतीय बैंकर को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर या एशिया पैसिफिक 2020 चुना गया? आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान और 25वें गवर्नर हैं। अगला, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला, साथी सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्थ इंस्टीट्यूट किस मंत्रालय की पहल है? साथी किस मंत्रालय की पहल है? आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त कौन है? आंसर हो जाएगा गोपाल बागले। स्कूली छात्रों के लिए जुविका नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसरो। 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन किस शहर में हुआ? आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 फरवरी 2020 को किए। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है? आंसर हो जाएगा 40। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र दिया गया? आंसर हो जाएगा जयपुर। भारतीय रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रणास क्या है? आंसर हो जाएगा मिसाइल। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा मुंबई। किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में महिला वर्ग में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड बनाया? आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा देवाशीष पांडा। इनसे पहले भारत का वित्त सचिव राजीव कुमार थे। मार्सेलो रेबेलो डी सौसा हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे, वे किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। भारत बांग्लादेश के बीच संप्रीति 9 अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आंसर हो जाएगा उमरोई मेघालय। और इसका आयोजन 3 फरवरी से 16 फरवरी के बीच किया गया। एक क्वेश्चन और है, संप्रीति 9 अभ्यास किस दो देशों के बीच है? तो आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश। जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित परिसीमन आयोग का प्रमुख किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा सुशील चंद्र। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किस केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा मनोहर पारिकर। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कितना है? आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। इक्कीसवें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान थे। हाल ही में सुर्खियों में रही दिव्या काकरान, पिंकी और सरिता मोर किस खेल से जुड़ी है?
आंसर हो जाएगा कुश्ती। थल सेना भवन का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। थल सेना भवन भारत के नए सेना मुख्यालय का नाम भी है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 एकल खिताब जीता? आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। भारतीय मूल के व्यक्ति जो ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक। एयर इंडिया के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा राजीव बंसल। कौन भारतीय हाल ही में 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर रखा गया है? आंसर हो जाएगा सुषमा स्वराज भवन। हर वर्ष 13 फरवरी को किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। वह खिलाड़ी जो नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता? आंसर हो जाएगा आदित्य मेहता। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को। कौन खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? आंसर हो जाएगा नसीम शाह, जो पाकिस्तान के हैं। हाल ही में अंडर 19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीयों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? आंसर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर NS धर्मसक्तू। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 21 फरवरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा बिमल जुल्का। किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा? यूएई। आंसर हो जाएगा यूएई। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा SN श्रीवास्तव। फ्रांस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा जावेद अशरफ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान मिला है, तो आंसर हो जाएगा 5वां। किसे भारत का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा संजय कोठारी। घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई है, प्रजाति का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई है और प्रजाति का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग। विश्व कैंसर दिवस 2020 की थीम है, अंग्रेजी में आई एम एंड आई विल और हिंदी में मैं हूं और मैं रहूंगा। ये भी याद रखेंगे, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रमंडल में किस देश को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा मालदीव। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। रानी रामपाल भारतीय महिला टीम की हॉकी कप्तान है। 34वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा हरियाणा। किसे फरवरी में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? आंसर हो जाएगा राम निवास गोयल। और नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं उनका नाम है रामवीर सिंह विधूड़ी। गणतंत्र दिवस परेड 2020 के लिए सेना के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार दिया गया? गणतंत्र दिवस परेड 2020 के लिए सेना के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार दिया गया। आंसर हो जाएगा वायु सेना। जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित CMS COP 13 संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ गुजरात के गांधीनगर में। 3 दिवसीय राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव आयोजित हुआ, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। मेडारम यात्रा का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन लाइन कहां होंगी? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। विश्व रेडियो दिवस की थीम, विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम है रेडियो और विविधता। फरवरी में आयोजित 92वें अकादमी पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो आंसर हो जाएगा पहला साइट। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल रोड 500 का अनावरण किया? आंसर हो जाएगा ईरान। सुर्खियों में रहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो आंसर होगा भारत में नए संसद भवन के निर्माण से। किस राज्य सरकार ने 19 फरवरी 2020 को दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती को राज्य बालिका संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी थी। किसे, अगला क्वेश्चन, किसे राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दो व्यक्तियों को सम्मानित किया, खंडेराव और वासुदेव कामत। राजा रवि वर्मा पेंटिंग से संबंधित थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। किसे आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा श्री राम कृष्णन। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में। और लास्ट और अंतिम प्रश्न है, लीवा LIVA मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने पहना? तो आंसर हो जाएगा एडलाइन कास्टेलिनो। तो दोस्तों आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई उत्साह और जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।